रिजवान क्यों नहीं आउट होता हमारे बॉलर से? रिजवान तो वो किसी से लगता है कि मतलब माता आ गई उस पे लाटगाड़ दिया, हो गया इंडियन बॉलर्स का, तो क्या कर रहे हैं इंडियन पे? तो एकदम खार खा के बैठा है वो, सोच के याद आए वल्लाह से एकदम प्रार्थना वार्थना करके देखते हैं उस डे करने को भाई का सलाम। तो गाइज हर टीम प्रैक्टिस पे लगी हुई है क्योंकि वर्ल्ड कप सर पर है। तो गाइज हर कोई अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए एक दूसरे को पछाड़ रहा है, बढ़ा रहा है भाई साहब, क्योंकि दिन रह गए हैं थोड़े, यही कुछ 14 दिन समथिंग, यही 12 दिन रह गए हैं, फिर होना है वर्ल्ड कप शुरू और मजे आ जाने हैं। तो गाइज कुछ हमें इख्तलाफात है अपनी टीम से और कुछ इंडिया वालों को इख्तलाफात है अपनी टीम से। तो इंडिया वालों हमारी टीम को इतना उठाने की जरूरत नहीं है क्योंकि भाई हमें भी बड़े इख्तलाफात है। आप कह रहे हो दो जोड़ियाँ चल जाएगी, ये हो जाएगा वो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है गाइज। कुछ बड़ी गलतियाँ कर दी है सिलेक्शन टीम ने, ये वो हम कुछ प्लेयर का कह रहे थे, कुछ प्लेयर उन्होंने नहीं ऐड किए, तो अब जो सबमिटेड ऑर्डर है हमारा बिल्कुल बेकार है। तारियाँ इंडिया की जो पब्लिक है वो बड़ी अच्छी राय दे रही है हमारी टीम के बारे में, भाई अल्लाह के नाम है भाई ना दो हमारी टीम पे राय, आपकी मेहरबानी। ये कारतूस ऐसी पुरानी जो चल गई, ठीक है ना, भी चले तो इसका पता कौन है भाई, तुम्हारी मेहरबानी। और दूसरी बात है जो मैंने को पब्लिक का वो वीडियो में देखे, आपसे शेयर भी करते देखते भी हैं, वो कोई पब्लिक के जोन से है वो मिस्टर धोनी को, माही को मिस कर रहे हैं कि वाकई वो माही जो सा था इंडिया के जो क्रिकेट के लिए था बड़ा फेवरेट था, यानी उसकी लक थी बड़ी सीरियस, ये वो बड़ा अवार्ड जीते हैं उसके होते हुए, और जो हम मिस करते हैं वो सरफराज को करते हैं, चाहे उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी थी। तो गाइस वो वीडियो शुरू करने से पहले भाई क्या जा रहे हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके मेरा रिश्ता कायम करें, अपनी राय जरूर दीजिए करें। तो गाइस शुरू करते हैं, आइए भाई आइए। आगे चलकर बड़ी ही जबरदस्त और दिलचस्प बातें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बारे में आपको भारतीय आवाम की जुबानी सुनाएंगे, जिससे यकीनी तौर पर आपका कॉन्फिडेंस अपने इन शाहीनों पर मजीद बढ़ जाएगा। क्योंकि जब जब भारत के खिलाफ पाकिस्तान का टाकरा होता है तो ये यंगस्टर एक नए जोश में सामने आते हैं, जिसका मुजाहिरा उन्होंने गुज़श्ता एशिया कप और पिछले साल के T20 वर्ल्ड कप में भी दिखाया है। रिजवान के बारे में तो भारतीय खुद ये कहते दिखाई देते हैं कि पाकिस्तानियों का ये खिलाड़ी तो हमारे भारतीयों से आउट तक नहीं होता, इसके साथ जरूर कोई ताकत है। एक ने तो बरमला ये कहा कि रिजवान के साथ तो अल्लाह है जो उसकी हर तरह से मदद करता है, यानी पाकिस्तानी टीम के इस खिलाड़ी की जो स्पिरिचुअल वैल्यूज है उसे अब हमारे बदतरीन ओपोनेंट भी मानने के लिए तैयार है। और इंशाल्लाह 23 तारीख को इफ्तिताही मैच जो भारत के खिलाफ होगा उसमें जरूर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की जोड़ी एक नया कमाल और रिकॉर्ड बनाते नजर आएंगे, और इंशाल्लाह हमारे बॉलर्स भी अपने पेस अटैक से भारतीय बल्लेबाजों को जरूर परेशान करेंगे। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं भारतीय अवाम का पाकिस्तान के अगले मैच यानी भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच के ऊपर क्या रिएक्शन है और वो किस तरह पाकिस्तानी टीम को देख रहे हैं। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इस बारे में आपकी क्या राय है वो भी जरूर बताइएगा। धोनी को बुलाए रिटायरमेंट से वापस, हैं रिटायरमेंट से वापस क्या बदलेगा धोनी को बुला के? कैप्टनसी उसके हाथ में आ जाएगी अगर आ जाएगी तो। रोहित शर्मा बुरा कैप्टन कर रहा है? नहीं नहीं वो बुरा नहीं है, लेकिन उसको टैकल करने का तरीका नहीं है। नहीं आता रोहित शर्मा मतलब वो समझाता अच्छा है, कूल नहीं है। इंडिया में जैसे कई सारे प्लेयर्स रहे ऐसे जो कि मतलब रिटायरमेंट से वापस हैं, ऐसा लगता है कि धोनी को जो मतलब कैप्टन कूल वाली इमेज रही है, पहला वर्ल्ड कप जितवाया था तो अगर वापस लेके आए तो काम बन सकता है। और इंडिया में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आपने IPL में इतना सारा पैसा कमा लिया और एडवर्टाइजमेंट से इतना पैसा कमा लिया, पाकिस्तान में ऐसा कुछ है नहीं आपके पास, क्योंकि आपको मान लीजिए इंटरनेशनल में ज़्यादा पैसा आपके पास, यहाँ पे आप IPL खेलते रहिए 3-4 साल आप इतना पैसा कमा लेंगे, इतना आप 10 साल इंटरनेशनल में नहीं कमा पाएंगे, ये भी एक इशू है। ऋषभ पंत का थोड़ा सपोर्ट करते हैं खिलाड़ी, ऋषभ पंत को थोड़ा फेवरेट टाइप का होता है, जैसा वो नहीं संजू सैमसन है, अभी लास्ट मैच में देखा तुमने उड़ा दिया और नॉट आउट रहा, वो 2-4 बॉलर खेलता मैच जिता दिया होता उसने, तो किसकी कुर्बानी दे सकते धोनी की कीमत पे? वो धोनी भैया का वो मैं नहीं बता सकता। एक तो बताओ कोई तो ऐसा प्लेयर होगा दिल को लगता है ठीक है अगर धोनी आया तो इसको तो जाने दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऑप्शन देता हूँ KL राहुल है, नहीं अच्छा खेल रहा है पंत भी ठीक ठाक खेल रहा है मतलब उतना बुरा नहीं है, अच्छा खेल रहा है सूर्य कुमार यादव उसको दे सकते हैं थोड़ा सा, इस साल सबसे ज्यादा रन बनाए इस साल ना, इस साल ना सूर्य पंत पंत के ऊपर सूर्य कुमार यादव को बाहर कर दो धोनी को बुलाने के, उसमें शुरू से एकदम प्योर टैलेंट है संजू सैमसन। एशिया कप बोली उसके बाद वो जो सीरीज हुई ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के साथ और जो लास्ट वनडे हुआ पहला, लगता है टीम रेडी है वर्ल्ड कप उठाने के लिए? क्यों लगता है कि रेडी है? बिकॉज एशिया कप में उनका परफॉर्मेंस इतना एट पार नहीं था। यू आस्क मी कि बुमराह मतलब इंजर्ड क्यों है? आप एक बॉलर पर रिले नहीं रह सकते, पाकिस्तान तो एक बॉलर से नहीं चल रहा था ना, साइन अफरीदी के साथ उसने अच्छा खेला ना एशिया कप में, बहुत अच्छा खेला राइट, तो आप बुमराह को कितने सालों तक कंटिन्यू करना चाहते हैं? आप उसके लिए एक अच्छा रिप्लेसमेंट लाओ ना कि उस तरह का बॉल कर पाए, 140+ डाल पाए। एशिया कप का जो दूसरा मैच था पाकिस्तान के साथ उसके बाद जो हाल हुआ हम लोगों का,
दिल से निकल रहे हैं, जीत रहे हैं, दिल में दुख दुखी है या मतलब? जी नहीं, कोई दुख दुखी नहीं है इस बार, एकदम 100% श्योर है इस बार पाकिस्तान को धूल चढ़ा देगा मेरा इंडिया। तो अगर दो कंडीशन होगी, पाकिस्तान के खिलाफ जीते वर्ल्ड कप जीते, तो क्या ऑप्शन लोगे? वैसे तो दोनों जरूरी है। जो सेकंड मैच में पाकिस्तान वालों ने एशिया कप में हाल किया था, या श्रीलंका ने लीग में जो हाल किया था एशिया कप में, पहला ही मैच पाकिस्तान के साथ है, कितनी उम्मीद है? मे बी यूएई ना पाकिस्तान का होम ग्राउंड है, तो उन्हें अच्छे से पता है कि कंडीशंस क्या है। तो वहां पर आप मान लीजिए कि वो अपने होम ग्राउंड में खेल रहे थे तो उनको कंडीशन पता थी, ऑस्ट्रेलिया में कंडीशन थोड़ी अलग है। रिजवान क्यों नहीं आउट होता हमारे बॉलर से? रिजवान तो वो किसी पहले लगता है कि मतलब माता आ गई उस पे लाटगाड़ दिया, हो गया इंडियन बॉलर्स का, तो क्या कर रहे हैं इंडियन पे? तो एकदम खार खा के बैठा है, वो सोच के याद है अल्लाह से एकदम प्रार्थना करके यार, जीता मैं भविष्यवाणी पूरी एकदम आप रहे पाकिस्तान से तो अपन जीत रहे हैं एक नंबर, और फिर चाहे बाद में अपना परफॉर्मेंस गिर जाए उसका पाकिस्तान से तो अपन जीत रहे हैं। सारा सुख इसी में है, लीग से बाहर हो जाओ पाकिस्तान से जीत जाओ, लीग से बाहर हो जाओ और क्या मतलब निकले, कब तक झेले कब तक झेले बताओ, झेलते झेलते परेशान हो गए। पाकिस्तान भी इतना कोई खास नहीं खेल रहे हैं, ठीक है वो बस ओपनिंग पार्टनरशिप लग जाएगी, वो वनडे जैसा खेलते हैं T20 में आप जानते हो, ओपनिंग धीरे 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 लास्ट में उसको उस फेज में जाके बड़ा हिट मारने की कोशिश। सेकंड मैच में हराया था बहुत बुरी तरीके से हम लोग, तो वो भी हारे ना, अभी तो बराबरी की बात कर लो मतलब ये मान के चले पाकिस्तान के 50-50 का चांस है, 100% चांस है, नहीं पाकिस्तान के अगेंस्ट 70-30। ऑस्ट्रेलिया में नहीं लगेंगे ना रिजवान से, बाउंड्री बड़ी है, पेस नहीं खेल सकता रिजवान, इतनी अच्छी पेस है हमारे पास कहाँ पे, पेस होगी कोई तो बैकअप जाएगा, मोहम्मद शमी एक्सपीरियंस है कुछ तो होगा। अगर सिंपल सा ही फंडा तो है, अगर इंडिया चेस करता है तो पाकिस्तान का कोई बॉलिंग लाइनअप हो, कोई टारगेट हो, चेस कर देंगे चेस, लेकिन बात यह डिफेंड करने की प्रॉब्लम तो डिफेंड में ही आ रही है ना। पाकिस्तान से आप हार गए, वर्ल्ड कप आपने लिफ्ट कर लिया, मेरे लिए खुशी है वो है ना, ज्यादा वो ज्यादा देता है ना, ज्यादा बड़ी खुशी इंपॉर्टेंट है ना, एक टीम इंपॉर्टेंट नहीं है ना। मैं तो कहता हूँ आप हार दो पाकिस्तान से, वर्ल्ड कप ले आओ ना आप 2020, 2007 के बाद पहली बार लिफ्ट करेंगे, इमोशंस ऐसे ही बहते रहेंगे। ब्याह के बाद तो बुमराह को भैया सीरियसली लेता नहीं है, वो ड्रॉप हो गया तो हो गया, कोई इंपॉर्टेंट मैच भी है बुमराह का मन है कि नहीं खेलना तो नहीं खेलेगा। जी गाइस, ये कुछ इंडिया के लोगों के रिएक्शन थे, उनको कहना था ये इस तरह कोई धोनी को मिस कर रहा है, कोई अपनी बॉलिंग पे अटैक वगैरह कर रहा है, कोई हमारी बाबर एंड रिजवान की जोड़ी पर बातें कर रहे हैं। तो यार दुआ तो हमें करनी चाहिए, पर हमें भी जो उनसे मिडिल ऑर्डर का मसला है वो हमारा मसला हल नहीं हो रहा अदरवाइज। और फिर सिडनी की जो पिच है वो बड़ी हार्ड हो, यानी तेज है, फास्ट है, तो मैच बड़ा फंटेस्टिंग होने वाला है जी गाइज। फिर वर्ल्ड कप है, फिर मिलेंगे अपडेट के साथ, अपनी राय जरूर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।